अभी बैठे हैं मुलेठी के खेत में। यह मुलेठी का पौधा जो ये हमारे पास में है, इसको लगभग पूरा देश जानता है। इसके अंदर पुष्प भी आते हैं, अभी फूल नहीं आए हैं, जड़ें भी अभी और मजबूत और घनी होना बाकी है। इसको हम जानते हैं ग्लिसेराइजा ग्लेबरा के नाम से। ग्लिसेराइजा ग्लेबरा, यह मुलेठी, यह बहुत रोगों में बहुत गुणकारी और दिव्य औषधि है। प्रायः हम इसके औषधीय प्रयोग के लिए इसकी जड़ों को प्रयोग में लाते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और कुछ रोगों में, जैसे कहीं फोड़ा हो गया है और पक नहीं पा रहा है, उस स्थिति में यदि इनके पत्तों को पीस करके उस जगह पर फोड़े के मुंह को छोड़ करके यदि बाकी बांध देते हैं तो फोड़ा बहुत जल्दी पक करके फूट जाएगा, और यदि वो पकने लायक नहीं है तो बैठ जाएगा। तो इसके पत्ते में भी वह गुण है। यह बहुत ही अच्छा यह पौधा है उसके लिए। और मूल के रूप में इस मुलेठी को हम जानते हैं, अच्छा गला खराब है मुलेठी चूस लो, यह हमारे यहाँ आम प्रचलन में है। ये गले के लिए, और जो विशेष करके गायक लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, जिनको मधुर आवाज़ चाहिए, सुरीली आवाज़ चाहिए, उनका यह मित्र है, उनके लिए ये एक दिव्य औषधि है। यह गले के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो गला बैठ गया हो तो आपको क्या करना है, काली मिर्च मुलेठी मिश्री, एक दो काली मिर्च मुलेठी और एक दो मिश्री आप चूसते रहें तो आपका गला ठीक रहता है। लोगों की पूर्वाग्रह वाली मानसिकता, किंतु सत्य में एक घटना का वर्णन करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी को बहुत बोलना पड़ता है, बहुत सारे प्रोग्राम में जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनका गला जो है कई बार बैठ जाता है। जब गला बैठ जाता है तो श्रद्धेय स्वामी जी मुलेठी मिश्री और काली मिर्च इसी को चबाते रहते हैं, उनका गला ठीक रहता है। तो एक सज्जन ने कहा कि वो स्वामी तो पान मसाला या तंबाकू चबाते रहते हैं। दरअसल यह पान मसाला तंबाकू नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है, और इसको आप चबाते रहें तो इससे जो गुटखा पान मसाला की जिनकी आदत है वह भी इससे छूट जाती है। तो आपके गला बैठा हुआ है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, उस स्थिति में आप इसका सेवन करके अपने गले को ठीक रख सकते हैं। और जिनको आँखों की समस्या है, त्रिफले में हरड़ बहड़ा आंवला के साथ थोड़ी मुलेठी के इस जड़ को कूट करके पाउडर करके रात को कांच के गिलास में आप भिगो दें, और उसको नितार करके जो ऊपर का साफ पानी है उससे यदि आप आँखों को धोते हैं, आँखों की नेत्र ज्योति को बढ़ाने में इससे बहुत आपको सहयोग मिलेगा। और आँख के ही लिए आप मुलेठी का पाउडर और सौंफ, मुलेठी का पाउडर और इसमें थोड़ा आंवला, तीनों बराबर मात्रा में लें। तीनों बराबर मात्रा में ले करके आप पाउडर करके शीशी में भर के रख लें। प्रतिदिन यदि प्रातः काल और सायंकाल पानी के साथ सेवन करें तो इससे जो आपकी आँखों की समस्या है, और इससे पेट की समस्या भी, और इससे आपकी गर्मी की समस्या भी दूर होती है। यह जो मुलेठी है, मुलेठी का जो विशेष गुण है वह है आपके घाव को भरना। यदि इस मुलेठी के जड़ को घिस करके यदि घाव में लगा देते हैं, चोट में लगा देते हैं, तो इससे चोट भरने शुरू हो जाती है। बाहर के घाव में ही नहीं, अंदर के घाव में बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। और जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या किसी भी तरह का अल्सर की शिकायत यदि आपको है, तो मुलेठी का पाउडर करके और लगभग 5-7 ग्राम चूर्ण को 400 ग्राम पानी में पका लेते हैं, आधा बचे छान करके पिए, तो इससे अल्सर की शिकायत दूर होती है। हालांकि आयुर्वेद में अल्सर के लिए बहुत सारी औषधियों का विधान है और बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। सामान्य शुरुआत में एसिडिटी में अभिपत्तिकर से लेकर के मोती पिष्टि आदि तक बहुत सारे औषधियों का विधान है, परंतु वह औषधियाँ सर्वत्र न भी मिले, आप अपने खेत में मुलेठी लगा करके, ये मुलेठी वैसे अभी हमारे देश में काफ़ी मात्रा में उगाई जाने लगा, फिर भी बाहर से अभी तक भी आयात किया जाता है, और ये हमारे क्षेत्र में इस एरिया में आराम से हो सकता है, पूरे देश में हम इसको उगा सकते हैं। ज़्यादा हाइट में, ज़्यादा पहाड़ी में तो नहीं, मैदानी क्षेत्रों में इसको सब जगह लगाया जा सकता है, और ये बहुत अच्छा एक पौधा है। तो आप पा सकते हैं अपने अल्सर से मुक्ति, यदि आप नित्य प्रति इसको कूट करके पानी में पका लेते हैं, आधा बचे छान करके पिए। मुलेठी की जो चाय है वो भी बहुत अच्छी लगती है।
चाय के रूप में आप मुलेठी का प्रयोग बहुत उम्दा रूप से, बहुत ही स्वादिष्ट और आनंद से कर सकते हैं। थोड़ी सी जड़ को आप कूट लें, इस जड़ में थोड़ी सी एक दो पत्ती तुलसी के मिला दें और एक दो पत्तियां डाल दें पुदीना। धीरे धीरे आप पानी को उबालें, उबाल करके फिर छान लें और आप पिए। आप देखेंगे कितनी भी भयानक खांसी हो, कफ हो, इसमें आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो चाय के रूप में भी जो काली चाय हम प्रयोग करते हैं बहुत ही नुकसानदायक है। उसके लिए उत्तम विकल्प हो सकता है तुलसी की पत्ती और मुलेठी। यह इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस तरह के काढ़े के रूप में, चाय के रूप में हम बहुत सारे औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास मुलेठी है, मुलेठी को उबालिए, दो चार पत्ती तुलसी डाल दीजिए और खुशबू और आनंद चाहते हैं तो थोड़े से पुदीना भी उसमें डाल दें। फिर आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट और आनंददायक स्वास्थ्यवर्धक पेय आपको हाजिर है। चाय पीने से भूख खत्म हो जाती है, अल्सर की शिकायत हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, और वहीं मुलेठी की चाय पीने से वो सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी, चाय की पूर्ति हो जाएगी। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है चाय के लिए। इसके अलावा इसको हम सौंदर्यवर्धक साधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मुलेठी को बिल्कुल बारीक पीस करके उस पाउडर के अंदर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, कच्चा दूध हो, दूध नहीं है तो गुलाब जल मिला करके इसको पूरे शरीर में या अपने चेहरे पर आप लेप करते हैं तो इससे आपके शरीर की कांति, चेहरे की कांति बढ़ जाएगी। आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं। जो ड्राई स्किन है, इस स्किन के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वो कोशिकाओं को भी ये निकाल देती हैं और नई नई कोशिकाएं इससे स्किन के ऊपर पैदा हो जाती हैं, तो उससे बहुत सुंदर कलर आपको मिलेगा, आपकी त्वचा को मिलेगी इससे सुंदरता। बहुत ही बहुत अच्छी औषधि है ये। बढ़ाने के लिए भी मुलेठी का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुलेठी का पाउडर करके उस पाउडर के अंदर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, दूध हो, दूध नहीं है तो गुलाब जल मिला करके आप लेप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त दूध को बढ़ाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि जिन माताओं बहनों को कम दूध उतरता है, उस स्थिति में भी मुलेठी बहुत ही उत्तम है। मुलेठी को आप दूध में पका करके और उसमें जैसे शतावर थोड़ा सा मिला ले, शतावर और मुलेठी दोनों को मिला करके, दूध में पका करके, मिश्र मिला करके आप माताओं बहनों को पिला दीजिए। जो प्रसूता माताएं बहनें हैं, जिनको सद्य बच्चे हुए हैं, दूध नहीं उतर रहा है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। और इसके अतिरिक्त पशु को भी, क्योंकि जितने भी हमारे घर में पालतू पशु हैं, सबसे ज़्यादा उनको पेट की ही बीमारी होती है, तो चाहे किसी भी तरह का अंदर इन्फेक्शन है, बीमारी है, आपको नहीं पता चल रहा है या रोकना चाहते हैं, क्योंकि मुलेठी बहुत महंगी वस्तु नहीं है, तो आप उस मुलेठी को ला करके इसके जड़ का पाउडर करके यदि आप घास में मिला करके खिला देते हैं तो इससे पशु का दूध बढ़ेगा। तो जिन पशुओं की जो पेट की समस्या है, अल्सर आदि की जो शिकायत है या दूध कम दे रहा है पशु, उसके लिए मुलेठी को पशु खा लेते हैं। कदाचित पशु न खाए तो इसके जड़ का पाउडर करके लगभग प्रतिदिन एक पशु को 100 ग्राम के लगभग आप उसके चारा के साथ में खाद्य पदार्थ है उसके साथ में आप दे देते हैं, तो पशुओं की जो पेट की समस्या है और उसकी जो अल्सर आदि की जो शिकायत है या दूध कम दे रहा है पशु, तो आप देखेंगे इससे पशु का दूध बढ़ जाएगा, आपकी गाय और आपका भैंस ज्यादा दूध देने लगेगी, और जो आदमी उस दूध को पिएगा उसको भी बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दूध अपने आप में अमृत है, गुणकारी है, परंतु जिस पशु को जो हम चारा खिलाते हैं, जो हम घास देते हैं, उस घास का अंश भी उस दूध में आ जाता है। तो हम सब किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि स्वयं तो इस मुलेठी का प्रयोग करके स्वस्थ रहें, अपने पशुओं को भी दुधारू बनाना चाहते हैं, ज़्यादा दूध दिलाना चाहते हैं और शुद्ध दूध सबको पिला करके, और निश्चित रूप से आप अच्छी चीज़ देश को खिलाएंगे, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य है, उसका जो उनके अंदर से निकली हुई दुआएँ हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो ये भावना से हम इसका प्रयोग करें। और हृदय रोग के लिए भी मुलेठी बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको हृदय में ज़्यादा पल्पिटेशन बढ़ा हुआ है, धड़कन बढ़ी हुई है और आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उन सब के लिए यह बहुत ही अच्छी और निरापद है। उसके लिए मुलेठी और अर्जुन का छाल दोनों को मिला करके काढ़ा बना करके हम पीते हैं तो हृदय रोग के लिए बहुत लाभप्रद है, बहुत ही अच्छा है। मुलेठी कोई बहुत तीक्ष्ण औषधि नहीं है, ये सौम्य औषधि है, बहुत हार्मफुल नहीं है, तो आप इसका प्रयोग हृदय रोग में भी आराम से कर सकते हैं। खांसी के लिए, गले के लिए ये बहुत एक अच्छी दिव्य औषधि है।
बहुत ही दिव्य औषधि है। हम लोग खांसी में स्वासारी क्वाथ करके काढ़ा बनाते हैं, आज लाखों लाखों संख्या में उसको लोग पीते हैं और बहुत ही लाभकारी है। उसके अंदर जो प्रमुख घटक है उसमें मुलेठी भी एक द्रव्य है, तो स्वासारी क्वाथ मिले तो मुलेठी भी उसमें है, नहीं तो आप सीधा सिर्फ मुलेठी का ही प्रयोग आराम से कर सकते हैं। मुलेठी का काढ़ा बना करके थोड़ा सा उसमें तुलसी के पत्ता, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके आप इसको उबालिए और आप पिए, आप देखेंगे कितनी भी भयानक खांसी हो, सूखी खांसी है, कफ वाली खांसी है, किस तरह की भी खांसी है, इसमें आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा। तो खांसी के लिए, गले के लिए और सारी क्षीणता को दूर करने के लिए, पेट के अल्सर को दूर करने के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। और किसी भी कारण से पेट में ऐंठन है, दर्द है, तो उसके लिए भी मुलेठी एक मधुर विरेचन का भी काम करता है। मुलेठी का पाउडर और उसमें त्रिफला पाउडर, मुलेठी और त्रिफला बराबर मिला करके एक चम्मच प्रातः, एक चम्मच रात्रि को, इसको आप दूध से भी ले सकते हैं, गर्म पानी से भी ले सकते हैं, आप देखेंगे आपकी पेट की समस्या, पेट की ऐंठन और कब्ज, ये सब में भी इससे राहत मिलेगा। जो पेट में मल जमा हुआ है वो मल भी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो पेट साफ करने के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, कभी कभी वो औषधियाँ आपको नुकसान भी पहुँचाती हैं, उससे आंतों की जो ताकत है वो और कम हो जाती है। जब आप पेट साफ करने की दवाई लेते हैं तो उस समय तो पेट साफ हो जाता है, पर जिस दिन नहीं लेते हैं उस दिन आप देखते हैं कि आपको और भयानक कब्ज की शिकायत हो जाती है। इस तरह की भयानकता वाली जो चूर्ण है, जो हानिकारक द्रव्य हैं, उनकी सेवन की जगह अच्छा है कि आप उसमें मुलेठी और त्रिफला, त्रिफला में बराबर मात्रा में मुलेठी मिला करके प्रातः सायं आप सेवन करें, आप देखेंगे आपकी पेट की समस्या, पेट की ऐंठन और कब्ज, ये सब में भी इससे तुरंत आपको बहुत बहुत राहत मिलेगा, इससे बहुत आपको लाभ होगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मुलेठी का पाउडर, मुलेठी पाउडर ताकत के लिए भी बहुत ही उत्तम औषधि है। मुलेठी में आप थोड़ा मिला लें शतावर, और थोड़ा सा मिला सकते हैं आप इसमें मुसली, मुसली शतावर और मुलेठी को मिला करके पाउडर करके रख लें, पाउडर करके आप प्रातः और सायं दूध के साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी और पेट के रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, भूख ठीक से लगने लगेगी। क्योंकि जितनी भी जो ताकत की दवाइयां ली जाती हैं, बहुत सारी ऐसी हानिकारक औषधियां भी हैं जिसको लेने से आपको थोड़ी देर के लिए ताकत तो महसूस होगी पर बाद में जाकर के वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये ताकत के लिए भी निरापद और सरल योग है। इसका सेवन करके आप बहुत अपनी शारीरिक क्षीणता को, कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं और ये एक लाभकारी, बहुत गुणकारी औषधि है। ये मुलेठी जो मेरी चारों तरफ आप ये खेत में देख पा रहे हैं, ये लगाएं, मुलेठी लगा करके इससे किसान भाई लोग अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे किसान लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि आचार्य जी हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कृषि करना चाहते हैं, हम क्या करें। बहुत सारे औषधियाँ ऐसी हैं जो आराम से कृषि की जा सकती है, उनमें से मुलेठी भी एक है। आप देख रहे हैं मुलेठी के बीच बीच में घास है, फिर भी मुलेठी का पौधा जो है एकदम सुंदर हरा भरा लहरा रहा है। तो आप मुलेठी की खेती भी कर सकते हैं, देश के लोगों को रोग मुक्त करने में ये आपका एक मुख्य साधन बन सकता है और यह आपके आय का भी साधन बन सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त मुलेठी जो है, जिनको पेशाब में जलन रहती है, जिनको दाहा हमेशा बनी रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक डेढ़ चम्मच चूर्ण को रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह मसल करके छान करके पिला दें, गर्म करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पिला देने से पेशाब भी खुल करके होने लगेगा और जो पेशाब की जलन है, अल्सर है, उसमें लाभ होगा। क्योंकि उसको सिर्फ बिना काढ़ा बनाए भी भिगो करके मसल करके पीने से अंदर के जो घाव है, इन्फेक्शन है, या आपको किसी भी तरह से यूरिन इन्फेक्शन है, उसमें भी इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी औषधि है आपके इन्फेक्शन के लिए भी, वो चाहे पेट में है, चाहे वो आपके हाथों में है, चाहे आपके गले में है, या आपके कहीं पर भी, चाहे आपके यूरिनरी ब्लैडर किडनी से लेकर के कहीं पर भी कोई विकार है, तो उसको आप इसके द्वारा दूर कर सकते हैं। चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आबाल या वृद्ध है, सभी लोग इसका सेवन बड़ी सुगमता से,
निर्भयता से और आनंद से कर सकते हैं। यह मुलेठी और इसके अतिरिक्त जिनको पीलिया की शिकायत है, कमजोरी है या पीलिया की वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो उसमें पूर्णनवा मूल के साथ में मुलेठी को काढ़ा बना करके पीने से या मुलेठी को उबाल करके उसके काढ़े को पीने से भी बहुत लाभ हो जाता है। और ताकत को बढ़ाने के लिए मुलेठी का पाउडर, विधारी कंद और गंभारी फल इसका पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं तो उससे ताकत की भी वृद्धि होगी। ये बल और पुष्टि कारक भी है और तो मुलेठी रक्त शोधक भी है। यदि घाव वगैरह शरीर में हो गया हो, इसके पत्तियों को उबाल करके आप उस घाव को धो सकते हैं, उससे घाव में भी लाभ होगा। यह बहुत अपने आप में विशेष करके आपके पाचन क्रिया के लिए, आपके गले के लिए बहुत ये दिव्य औषधि है। गले की कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, आप इसका प्रयोग करिए। पेट की कोई भी समस्या है, आप इसका निर्भयता से प्रयोग करिए। और आपको कमजोरी है, थकान है, तब भी यह आपके लिए बहुत गुणकारी है। तो हमने आज जाना मुलेठी के पौधों के संदर्भ में, इसके गुणों के संदर्भ में। आइए अब मुलेठी को लगाएं, देश को निरोग बनाने में सहभागी बने। जिनके पास भूमि है वो मुलेठी को उगाइए, जो नहीं है उसको अपने जीवन में प्रयोग करके उन किसानों के उत्पाद को हम अपने घर में लाएं और रोगों को भगाएं। उसके लिए हम सब मिल करके देश की हवा, देश की मिट्टी और देश की दवा, इसको हम प्रश्रय दें, इसको प्राथमिकता दें, जिससे इसमें हमारा भी हित होगा और देश का भी हित होगा। कल फिर हम आपके साथ मिलेंगे एक और पौधों के साथ।